friends, this is Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we'll do grade 10th exercise 2.2 of maths, question number 2. Question number 1 we have done in the last class. Ab aaj ki class mein hum question number 2 karenge, theek hai? Question is, find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of zeros respectively. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन था और हमने उसके जीरोस फाइंड आउट किए थे और रिलेशनशिप को वेरीफाई किया था. बट जो सेकंड क्वेश्चन है आपकी 2.2 एक्सरसाइज का, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट ऑपोजिट है. इस टाइम आपको क्या दे रखा है, सम दे रखा है जीरोस का और प्रोडक्ट दे रखा है. ध्यान रखिए ये टू जीरोस गिवन नहीं है. अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो सम given है 1/4 and product is -1 and you have to find out the quadratic polynomial. देखिए बच्चों respectively word यहाँ लिखा है. respectively का meaning क्या होता है कि sum and product, मतलब पहले sum लिखा है तो पहले sum given होगा zero का 1/4 और बाद में product लिखा है तो zeros का बाद में product -1 होगा. Okay, so let's start with the first part. Sum of zeros is 1/4 and product of zeros is -1. देखिए इस क्वेश्चन को करने का और भी दूसरा मेथड भी है, बट जो सबसे इजीएस्ट और बेस्ट जो है मेथड, मैं आप लोगों को वही कराऊंगी, आप अपने एग्जाम में उसको कर लीजिएगा, राइट? तो हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालते हैं. एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट? एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखूंगी मैं, माइनस का माइनस, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू मुझे 1/4 गिवन है तो मैं यहाँ पर 1/4 लिख दूं और एक्स सेम एक्स प्लस का साइन प्लस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे गिवन है -1, ठीक है? तो ये -1 हो गया, राइट? अब हमें आगे कैसे करना है इसको, जो है मैं जब भी मैंने आपको बताया है बीच में प्लस या माइनस हो और रैशनल नंबर में हो, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं. तो जब भी बीच में प्लस माइनस हो और रैशनल नंबर हो, मतलब अपॉन में हो, तो हम हमेशा उसका एलसीएम लेते हैं. थ्रू आउट जब भी आप मैथमेटिक्स करेंगे, कोई भी ग्रेड के हो आप, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, इवन ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपको ऐसे ही करना है. तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ध्यान रखिए, ठीक है? तो अब क्या होगा, x स्क्वायर पहले 1/4 और 1 का हमने एलसीएम लिया तो क्या आ गया 4, 4 को 1 से डिवाइड किया 4 और मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय 4 1 और 1 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x. देखो x के साथ बार बार 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है. अगर x के साथ कुछ नहीं है तो इट इज अंडरस्टूड कि x के साथ जो है x का कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा, वो 1 होगा, इसीलिए मैं बार बार जो है 1 नहीं लिखूंगी. अगेन 4 को 1 से डिवाइड किया 4 एंड मल्टीप्लाई बाय -1 सो -4 इज इक्वल्स टू 0. हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, उसके बाद जो है हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अब 0 के पास कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगाया, ये वाला इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ पूरी इक्वेशन, तो आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और 4 इज 0 के साथ हुआ तो किसी भी डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. सो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, हमारे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो है मिल गया है. आपको कैसे पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, एक्स की पावर यहाँ हाइएस्ट 2 है, फिर एक्स की पावर 1 है, फिर एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है? तो इसका मतलब दिस इज माई आंसर, काइंडली नोट डाउन दिस, देन वी विल प्रोसीड टू पार्ट नंबर 2. ओके, नाउ वी विल डू पार्ट 2. ओके, पार्ट 2 में भी देखिए जो फर्स्ट टर्म है दिस इज सम ऑफ जीरोस
और जो 1/3 जो आपको दे रखा है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये अंडर रूट 2 क्या है, सम ऑफ जीरोस, और 1/3 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही हम अपना एक फॉर्मूला यूज करेंगे, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x। देखिए ये आपको खुद ही एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की फॉर्म में दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल देखिए, पहले x की पावर 2, फिर ये x का कोफिशिएंट, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मतलब जिसके पास x y कुछ भी ना हो, ठीक है। तो x स्क्वायर पे x स्क्वायर एज इट इज नोट करेंगे, माइनस का साइन एज इट इज, सम ऑफ जीरोस की पूरी वैल्यू आपको दे रखी है अंडर रूट 2। प्लीज आप इन दोनों का सम मत कर दीजिएगा, सारे बच्चे यही गलती करते हैं, सम पूरा ये दे रखा है, ये सम है और ये पूरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप इन दोनों को प्लस या मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ध्यान रखिए सम ऑफ जीरोस अंडर रूट 2, एक्स का एक्स प्लस का प्लस साइन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है हमें, 1/3, राइट। अब फिर से आप देखिए, मैं फिर से वही चीज बता रही हूँ, बार बार एक ही चीज, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ ये मिस्टेक्स करते हुए, इसीलिए मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। बीच में प्लस माइनस है और रैशनल नंबर है, मतलब कुछ भी नहीं है, इनके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमेशा एलसीएम लेंगे, राइट। 1, 1 और 3 का एलसीएम इज 3, राइट। अब इसको इससे हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3, और जो भी डिवाइड करने के बाद आता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3x² माइनस का माइनस, फिर 1 को 3 से डिवाइड किया 3, और अंडर रूट 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2x प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया 1, और 1 को फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 1 × 1 दैट इज 1। अब हम इस पूरे को 0 के इक्वेट कर देंगे, 0 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लगा दिया, लगाने की आपको जरूरत नहीं है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं ना कि यहाँ पर 1 होगा। फिर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये पूरे टर्म कुछ नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1, और 3 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, हो गया 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल, आई मीन दिस इज द आंसर। आई होप दिस सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइज, काइंडली नोट डाउन दिस। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट सारे जितने भी पार्ट हैं आपके 5 या 6 पार्ट गिवन है, सारे एक जैसे ही होंगे। सबसे पहले आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। 0 क्या है, सम ऑफ जीरोस है, और अंडर रूट 5 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, राइट। तो 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस का प्लस साइन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्या गिवन है, अंडर रूट 5, ठीक है। अब अंडर रूट 5 के साथ एक्स वाई कुछ नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है सी, तो एक्स स्क्वायर 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, इसलिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्लस अंडर रूट 5, दिस इज द आंसर, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इज द आंसर ऑफ दिस थर्ड पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर, and thank you so much, bye bye, kindly like, share and subscribe to my video.